भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा जंतर मंतर पे इस देश की पहलवान बेटियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा विदेश की धरती पे इस प्रदेश की बेटी जिसको गोल्ड मेडल मिलना था। सारा देश इंतजार कर रहा था पलके बिछा के पहली बार हरियाणा की बेटी, इस देश की बेटी वुमन रेसलिंग के अंदर गोल्ड लेकर आएगी। उसने क्वार्टर फाइनल जीता, उसने सेमीफाइनल जीता और फाइनल में पहुंची, परंतु अचानक 100 ग्राम वजन बढ़ा बता दिया गया। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोली, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोला, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बोला? जब तक वो बेटी जीत रही थी इनको सांप सूंघ रहा था, इन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। जब वो हार गई तो घड़ियाली आंसू बहाने लगे। क्या लगता है, साजिश है? 100% साजिश है। साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को स्टैंड लेना चाहिए था उसी समय, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्टैंड लेना चाहिए था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को स्टैंड लेना चाहिए था और सारे स्टैंड क्लियर करके उस बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए था। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उस बेटी के साथ खड़ा है और कल उसके समर्थन में हर जिले के अंदर हम खड़े होंगे। बहिष्कार, ओलंपिक का बहिष्कार करने की भी डिमांड हो रही है। देखिए, ये एक लंबा विषय है। अगर देश की बेटी के साथ इतनी हेराफेरी की जाए तो बहिष्कार भी करना चाहिए, परंतु आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उस बेटी के साथ खड़ा है और कल उसके समर्थन में हर जिले के अंदर हम खड़े होंगे और आज मैं उसको आमंत्रित करता हूँ, आइए इस साजिशकर्ता तानाशाह को हम जड़ से उखाड़ के फेंक दें, मिल के लड़े और इस देश के लोकतंत्र के अंदर स्थापित करें। गुप्ता जी, हरियाणा में कितनी प्यार है? आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने 15 दिन के अंदर 45 जनसभाएं की हैं। हर विधानसभा के अंदर 2 विधानसभाओं के मिला के एक मीटिंग की है और ऐसे सीजन के अंदर तो पूरा आश्वासन, पूरा समर्थन पूरे हरियाणा से आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन है, उसके तहत आप चुनाव लड़ेंगे क्या? कांग्रेस इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था, उस गठबंधन के धर्म को हमने ईमानदारी से निभाया और लोकसभा में निभा रहे हैं, परंतु विधानसभा में 90 की 90 सीटों में हमारी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ एक एक बूथ को मजबूत कर। क्या आपको हरियाणा में विधानसभा चुनाव में गठबंधन की आवश्यकता है? मैं पहले कह चुका हूँ कि 90 की 90 विधानसभा में हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं और पूरी अरविंद केजरीवाल जी की पूरी फौज आज हरियाणा के एक एक गांव में पहुंची हुई है। गुप्ता जी, हरियाणा की सभी सियासी पार्टियां किसी सिख तेरे को टिकट क्यों नहीं देना चाहती? ये क्या? हमारे सिख यहाँ के लोकसभा के अध्यक्ष हैं, हमारे सिख अभी आए थे, वो यहाँ के हमारे मुख्य अतिथि थे। हम उसका सम्मान करेंगे, यहाँ से वहां तक, मुजफ्फरनगर तक उसका सम्मान करेंगे बुलवा के। वह जनता के दिलों में जीत गई और भारत सरकार की साजिश से हार गई। एक गेम देश में, दुनिया में साजिश का भी होना चाहिए। क्या बाबा जी, उन्होंने धरना दिया था? हाँ, वही है। क्या वो प्रकरण है? वही है प्रकरण, वही प्रकरण है ना कि इनको दिच्छा दिखाओ, इनकी इमेज जो बढ़ रही है, ये फिर खेलकर वो लेकर आ रही तो मंत्री का और उसका तो ये लगागा के देखो भारत सरकार जी के खिलाफ बोल रही थी, ये फिर भी स्वर्ण पदक लेकर आ गई, वो साजिश। और अभी क्या सड़क बनेगी यहाँ को? सड़क यहाँ को जब बनेगी, जब यहाँ उतार चढ़ाव हो जाएगा, सड़क जब बनेगी ये देंगे कट, लेकिन ये अप्रैल मई तक जाएगा, अभी इसमें 8-9 महीने और लगेंगे। यूपी के सीएम योगी जी ने एक कल बयान दिया है कि किसान आंदोलन जो संगठन है ये अराजकता फैलाते हैं और उनपे और जोन से अराजकता फैलाओ, मुकदमे दर्ज करो। संगठन भी तो उन्होंने बहुत बढ़ा दिए, वे बिल्कुल ठीक कह रहे, कुछ संगठन अराजकता फैला रहे, किसी की फैक्ट्री में कूद रहे, किसी कहीं में कूद रहे, उन्हें पकड़ो भाई, उनके खिलाफ करो मुकदमे दर्ज। एक आपने कहा है कि घूंघट पर साजिश रची गई है, साजिश कुश्ती फेडरेशन सरकार सब लोग मिले हुए हैं और जो वहाँ उसके कर्मचारी है क्या विश्वास करे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वेट कैसे घटक कैसे बढ़ेगा, कब वेट होना है, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और साजिश के तहत उसका वेट बढ़वाया।